खबर का रुख कर लेते हैं। मुरैना से खबर है, रिश्वत लेते हुए एक पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया है। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की है। नामांतरण के नाम में 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी, बड़ी जानकारी है। तो नामांतरण को लेकर के ये रिश्वत मांगी गई और ईओडब्ल्यू ने यहां पर भी कार्रवाई करते हुए 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। तो नामांतरण के नाम पर 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ये गिरफ्तारी हुई है। पटवारी को गिरफ्तार किया है ईओडब्ल्यू ने। एक और बड़ी कार्रवाई की है मुरैना में, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ये पटवारी पकड़ा गया है। तो बड़ी जानकारी है मुरैना से, 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू की टीम ये कार्रवाई कर रही है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हालांकि रिश्वत 50,000 की मांगी गई थी, लेकिन ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है, बड़ी जानकारी है। तो पटवारी ने नामांतरण कराने के एवज में 50,000 की डिमांड की थी, लेकिन ये डील 20,000 में तय हुई और जब 20,000 रुपए देने के लिए जिस शख्स से नामांतरण के नाम पर ये पैसा मांगा जा रहा था उसने ईओडब्ल्यू को इसकी शिकायत की और ईओडब्ल्यू ने फिर उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया है, जो कि 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा था और पहले भी ये शिकायतें चुकी ईओडब्ल्यू को मिल रही थी, इसलिए एक बड़ी कार्रवाई है। रिश्वतखोर पटवारी फिलहाल ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ गया है और रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया गया है 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो बड़ी कार्रवाई की गई है ईओडब्ल्यू के द्वारा मुरैना में, बड़ी जानकारी है। मुरैना में रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार किया गया है, जो कि नामांतरण के नाम पे 50,000 रुपए मांग रहा था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।